गाइस बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि भाई कि अपने गाड़ी में फ्रंट फॉग लैम्प के साथ ही साथ रियर फॉग लैम्प भी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी रहते हैं फॉग लैम्प्स की, अगर आप ये रहता है एक आधी घंटे तक अगर इन्हें आप कंटिन्यूस जलाए रखोगे तो ये आपकी जो हिस्सा है इतना वाला बम्पर का प्लास्टिक का रहता है तो इस पूरे को जला सकते हैं। जो मेरा इससे पहले वाला बम्पर था, मैंने बम्पर चेंज करा रखा था क्योंकि मेरा टूट चुका था यहाँ से, तो उस वाले बम्पर में इतना हिस्सा पूरा इसने गला दिया था और नीचे से पूरा बल्ब पूरा एकदम जल सा गया था, नीचे निकल गया था इसका फॉग लैम्प। तो अभी मैंने एक बारी खींचा तो फ्रंट वाला फॉग लैम्प ऑन हुआ है और एक बारी और खींचूंगा तो रियर वाला ऑन हो चुका होगा। मैं दिखाता हूँ, सो गाइस ये जो नीचे वाला चल रहा है ये इसका रियर फॉग लैम्प, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा दूर तक होती है कि आपकी जो ऊपर वाली लैंप है उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे तक ये वाली कैच हो सकती है। तो इसीलिए रियर फॉग लैम्प जलाते हैं। जब भी आप धुंध वगैरह में गाड़ी चला रहे हो तो जाहिर सी बात है हर कोई बंदा रियर फॉग लैम्प जलाता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं गाड़ियों में रियर फॉग लैम्प आता है, किन्हीं में नहीं आता। जैसे कि आप लोगों को पता ही, बेस वालों वगैरह में फ्रंट फॉग लैम्प भी नहीं आता, लेकिन 2013 के बाद से तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने हर एक गाड़ी में कंपलसरी कर दिया था कि रियर फॉग लैम्प हर गाड़ी में होना चाहिए। जिसके बाद जितनी भी जर्मन कार्स हैं आप में मैक्सिमम लोग देखोगे कि 2011-10 वाले मॉडल में भी आपको फ्रंट फॉग लैम्प के साथ साथ रियर वाला फॉग लैम्प भी मिलेगा। तो ये था रियर फॉग लैम्प। एक बार मैं इसकी दिखाता हूँ कितनी दूर से इसकी कैच है। गाइस देख रहे हो कितनी दूर तक इसकी लाइट आ रही है जो फॉग लैम्प है इसका रियर वाला, और जबकि टेल लाइट की आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फॉग्स वगैरह में जब भी आप कभी गाड़ी चलाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जो गाड़ी आपसे आगे चल रही होगी, जो अपना फॉग लैम्प चला के चल रही होगी, उसकी इंटेंसिटी आपको दूर से दिख जाएगी, उसकी लाइट की इंटेंसिटी, और काफ़ी दूर से वो गाड़ी कैच हो जाएगी कि हाँ भाई कि कोई गाड़ी चल रही है। अधिकतर लोग इंडिया में करते हैं अपने दोनों इंडिकेटर जला के चलते हैं फॉग में, कि उनकी इसमें रियर फॉग लैम्प आता नहीं है तो इसलिए दोनों इंडिकेटर जला के चलते हैं, और जिससे कि पीछे वाले बंदे को पता लग जाए कि आगे कुछ चल रहा है। लेकिन जो बेस्ट सही तरीका है वो रियर फॉग लैम्प चलाने के बाद ही है फॉग वगैरह में। तो फॉग लैम्प हर गाड़ी में आना चाहिए और उसका यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया।